वही देश भर में श्रावण मास के पवित्र महीने में प्रचलित कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिदिन हजारों की तादाद में शिव भक्त श्री गंगोत्री धाम पर कांवड़ लेने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्री अर्पण यदुवंशी द्वारा कांवड़ यात्रा को सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए कांवड़ मार्ग में पुलिस व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ कांवड़ियों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज SP ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए तेखला बाईपास पर शिव भक्तों का स्वागत करते हुए कांवड़ियों और राहगीरों को पेयजल, फलाहार, जूस, बिस्किट आदि वितरित किए। को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि कांवड़ यात्रा 2024 का आगाज हो चुका है और हजारों की संख्या में कांवड़िए दूर दराज के क्षेत्रों से गंगोत्री जल भरने के लिए आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो ये धार्मिक मेला है इसके लिए हम लोग आपकी सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और हमारा जो पूरी फोर्स है पूरी रूट पे उत्तरकाशी ज़िले में पूरे रूट पे तैनात है आपकी आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। मौसम जो है थोड़ा बारिश का मौसम लगा हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड और भूस्खलन की शिकायतें आ रही हैं, तो ऐसे में मेरा जो शिव भक्त हैं कांवड़िए हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जो है मौसम का पूर्वानुमान लेके चलें और जो भी सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी आपको बताया जाता है उसका पूर्णतः पालन करें। किसी भी स्थिति में कहीं भूस्खलन हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है अपनी सुरक्षित स्थान पर रुके रहें और ऐसे जब ही चलें तब मौसम साफ़ हो। आज जो है मैंने मनेरी तक जो है कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और इसमें कांवड़ियों से कई कांवड़ियों से यात्रियों से बातचीत भी की और उनसे उनकी हौसला अफजाई की